रिफ्रैक्शन बाया लेंस। अ थिन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। द फर्स्ट वन इज ए सी बी एंड द सेकेंड वन इज ए डी बी। ओके, सो इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, वी कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, देन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस पार्ट ए सी बी लाइक दिस। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ इंसिडेंट ऑन अ पार्ट ए सी बी, आफ्टर द इंसिडेंट देयर इज अ रिफ्रैक्शन लाइक दिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कर्व सरफेस ए डी बी, ऑन इंसिडेंट ऑन कर्व सरफेस ए डी बी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट फर्दर एंड इट मीट एट अ पॉइंट आई। द पॉइंट आई इज नोन एज इमेज पॉइंट एंड पॉइंट ओ इज नोन एज ऑब्जेक्ट पॉइंट। नाउ वी कैन यूज द रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस फॉर बोथ ऑफ द कर्व सरफेस ए सी बी एंड ए डी सी ए डी बी। सो फॉर ए सी बी दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ एंड वी नो दैट फॉर एनी कर्व सरफेस बिकॉज दिस कर्व सरफेस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फीयर लाइक दिस विच हैव सेंटर सी कैपिटल सी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉन एज कैपिटल आर वन। सो नॉर्मल फॉर स्फेरिकल सरफेस ए सी बी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व सरफेस एंड दैट इज रेडियस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इफ एनी रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ इंसिडेंट ऑन एनी एंगल एट स्फेरिकल सरफेस दैट इज ए विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आई, आफ्टर इंसिडेंट इट विल रिफ्लेक्ट एट अ पॉइंट विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस पॉइंट इज नोन एज आई वन इंटरमीडिएट इमेज। Why I am using the new term intermediate image? Because we are talking about refraction by a lens, not refraction by a spherical surface. Refraction by a spherical surface gives a real image, but refraction by a lens means this is the intermediate part. यहाँ मैं refraction by a lens के through एक first जो curve surface है ACB, उसमें क्या progress होगी उसको डिस्कस किया है, और ये जो नेक्स्ट जो आई वन इमेज बनी है ये आई वन इमेज इसी लेंस के अंदर बनेगी, और ये आई वन इमेज जो सेकेंड स्फेरिकल पार्ट है जो ए डी सी है उसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, सो फॉर आ स्फेरिकल सरफेस ए डी बी सेंटर सी एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय आर टू एंड नॉर्मल इज लाइक दिस। ओके, नाउ आई वन विच इज द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म बाय अ कर्व सरफेस ए सी बी वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर कर्व सरफेस ए डी बी। इट मीन्स इट सीम्स टू बी दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए डी बी इज आई वन, लेट आई वन, और हमें लगेगा कि ये जो रे आ रही है ये आई वन से आ रही है। आफ्टर इंसिडेंट एट पॉइंट ए द इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। ओके, सो यू डोंट नीड टू डेरिवेट द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, यू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट फॉर रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। सो द रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस is given by 1 upon f is equal to n 2 1 minus 1 1 upon r 1 minus 1 upon r 2. This is known as lens maker formula.
लेंस मेकर्स फॉर्मूला वेयर आर एन टू वन इज गिवन बाय एन टू वन इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन. सो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ. आर वन इज गिवन बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए सी बी एंड आर टू इज गिवन बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए डी बी. एन टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड एंड एन वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट. लाइक दिस इज एन वन द मीडियम फर्स्ट, एन वन मीडियम फर्स्ट एंड फॉर ग्लास एन टू. सो दिस इज एन वन मीडियम फर्स्ट, एन टू इज मीडियम सेकेंड, एन वन मीडियम फर्स्ट एंड एन टू इज मीडियम सेकेंड. सो देयर इज थ्री टाइम्स रिफ्रैक्शन. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम कर्व सरफेस ए सी बी एंड द सेकेंड वन इज द एक्सियल ऑफ लेंस ए ओ बी एंड द थर्ड वन इज फॉर ए डी बी. सो देयर इज थ्री टाइप ऑफ रिफ्रैक्शंस अकर. हैंस इंटरमीडिएट इमेज बाय ए सी बी एंड दिस इंटरमीडिएट इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अनदर कर्व सरफेस दैट इज ए डी बी. एंड दिस ऑब्जेक्ट और वी कैन से इंटरमीडिएट इमेज व्हेन इंसिडेंट ऑन अ कर्व सरफेस ए डी बी एंड आफ्टर इंसिडेंट द इमेज इज फॉर्म एट अ पॉइंट ए आई. सो देयर इज अ सेपरेशन बाय टू स्फेरिकल सरफेस एंड वी कैन यूज द फॉर्मूला, वी कैन यूज फॉर्मूला बाय और फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस. सो आफ्टर यूजिंग रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस फॉर बोथ टू कर्व सरफेसेस ए सी बी एंड ए डी बी, वी गॉट वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज पर एग्जामिनेशन व्यू. जस्ट रिमेंबर एंड डोंट फॉरगेट टू यूज साइन कन्वेंशन. डोंट फॉरगेट टू यूज साइन कन्वेंशन इन दैट फॉर्मूला फॉर आर वन एंड आर टू. लाइक फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस आर वन इज पॉजिटिव एंड आर टू इज नेगेटिव एंड फॉर कॉनकेव दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कॉनकेव. फॉर कॉनकेव लेंस आर वन इज नेगेटिव एंड आर टू इज पॉजिटिव. ओके नाउ दिस इक्वेशन इज यूजफुल टू डिजाइन लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग सरफेसेज ऑफ सुटेबल रेडियाई ऑफ कर्वेचर. नाउ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ एफ फॉर अ लेंस नोन एज थिन लेंस फॉर्मूला. ओके वी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. वी हैव अर्लियर स्टडीड वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, दैट इज द मिरर इक्वेशन फॉर मिरर्स. बट हेयर वी यूज माइनस बिटवीन वी एंड यू, हेंस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, दैट इज द थिन लेंस फॉर्मूला स्पेशली फॉर लेंसेज. ओके दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज. फॉर मिरर इक्वेशंस देयर इज प्लस बिटवीन वन अपॉन एफ एंड वन अपॉन यू एंड प्लस रिप्लेस बाय माइनस फॉर थिन लेंस फॉर्मूला. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके रिमेंबर दैट. नाउ ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस, द फर्स्ट वन इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस.
is a convex lens. This is the principal axis. Axial of convex lens. This is object AB which have height h. Okay. Array from the object parallel to the principal axis. Array from the object parallel to the principal axis. This is the principal axis or point of the lens. After refraction passes through the second principal focus. After refraction, यहाँ पे refraction होगा उसका, passes from the second focus, which is f dash for convex lens, or appear to diverge from the first principal focus. This is for concave lens, जिसकी बाद में बात करेंगे. Okay, a ray of light passing through the optical center of the lens emerges without any deviation after refraction. एक ray of light जो ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ओ ऑप्टिकल सेंटर फॉर लेंस, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वो पास होने के बाद बिना किसी डेविएशन से, विदाउट डेविएशन इमर्ज आउट होगी. ओके. एंड द थर्ड वन इज दैट दिस इज द एफ फोकस, प्राइमरी फोकस. इफ अ रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द प्राइमरी फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ लेंस पैरेलल, इट मे इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. So there is three types of ray of lights. The first one, which is the parallel to the principal axis after incident on lens, then after refraction, it will passes through the secondary focus of a lens. And the second ray of light, which passes through the optical center of the lens, emerges out without any kind of deviation or any refraction. And the third one is, which ray of light passing through the primary focus of a lens after incident, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जहां पर ये तीनों रे ऑफ लाइट मिलेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, द इमेज फॉर्मेशन, दैट इज इमेज. हाइट ऑफ इमेज इज एच डैश. ओके. नाउ फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल द डिस्टेंस इज गिवन बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. From pole to image is known as image distance V. Okay. Now there is two focus, that is the primary focus and that is secondary focus for convex lens. Convex lens के दो focus होते हैं F एंड एफ डैश. बिकॉज दो फोकस इसलिए होते हैं क्योंकि देयर इज टू कर्व सर्फेस, बिकॉज लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेस. द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स एंड द सेकेंड वन इज कॉन्केव. और सेकेंड कॉन्केव लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस. दिस इज द कॉन्केव लेंस. Okay, concave lens is also a combination of two lenses, two spherical surfaces. This is the principal axis, which passes through the optical center of a lens. Principal axis always passes through the optical center of lens, and for mirror, the principal axis always passes through the pole of the mirror. Okay. This is the F focus, primary focus for concave, and F dash secondary focus for concave. There are 2F and 2F dash. Okay. If an object is placed between F and 2F, एक object को F and 2F के बीच में अगर place किया, that is object height h. If array of light, this is the axial of the lens. If a ray of light which passes through parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, after incident on the lens, it appears to diverge from the first principal focus. It appears
The ray of light, which is parallel to the principal axis, after incident, it appears to be diverged on the principal axis, like this. क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज हो जाती है यहाँ से. ये जो लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कॉनकेव लेंस के लिए डाइवर्ज होगी. सो इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एफ, प्रिंसिपल फोकस एफ से. इन द सेकेंड वन, विच रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस एमर्ज आउट विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन और एनी रिफ्रैक्शन. तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी. तो ये दोनों रे जब जहां पे मिलती है, डेट इज इमेज आई, इमेज पॉइंट, और वी कैन से इमेज. ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस. नाउ द क्वेश्चन एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर बोथ टूल्स. मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन फॉर बोथ टूल्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन बाय एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच. एच डैश मीन्स हाइट ऑफ, एच डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्लस वी अपॉन यू. इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, दस फॉर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स, फॉर अ कॉन्वेक्स इरेक्ट एंड वर्चुअल, रिमेंबर दैट. एंड फॉर कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस एम इज पॉजिटिव वाइल एन इन्वर्टेड इमेज एम इज नेगेटिव. इरेक्ट फॉर कॉन्वेक्स एंड वर्चुअल फॉर कॉन्केव, देन एम इज पॉजिटिव. एम उस केस में पॉजिटिव होगा एंड एम इज नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड, फॉर इन्वर्टेड इमेज. नाउ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, वट इज इट्स फोकल लेंथ. सॉल्यूशन, बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस मीन्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है. इन अ बाय कॉन्वेक्स लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सर्फेस इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द लेंस एंड द सेकेंड सरफेस इज ऑन द नेगेटिव साइड. जैसे बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. सो सेंटर फॉर फर्स्ट सरफेस ये पॉजिटिव में होगा एंड सेंटर फॉर सेकेंड दैट इज सी टू ये नेगेटिव साइड में होगा. सी वन इज पॉजिटिव एंड सी टू इज नेगेटिव. सो फ्रॉम रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. और वी कैन से दैट वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन 20 सेंटीमीटर माइनस वन अपॉन -20 सेंटीमीटर, वे म्यू इज इक्वल टू एन टू वन और म्यू इक्वल टू एन टू बाय एन वन. ओके, सो आर वन इज पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर एंड आर टू इज नेगेटिव 20 सेंटीमीटर. बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच. तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ए सी बी, फॉर अ स्फेरिकल सरफेस ए सी बी द रेडियस इज आर वन इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, बिकॉज वी यूज द कार्टेशियन सिस्टम. अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर को कार्टेशियन सिस्टम कंसिडर करूँ, देन दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड, दैट इज द पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव साइड. सो फॉर द स्फेरिकल सरफेस ए डी बी द आर टू इज गिवन बाय नेगेटिव. हैंस
वी आर यूजिंग आर वन इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर एंड आर टू इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. सो 1/f इक्वल टू 1 -5 -1, 1/20 -1/-20, दैट इज 1/40. और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी f की 20 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ ऑफ दिस बायकॉन्वेक्स लेंस is given by f equal to 20 centimeter. There is another example. A magician during a show makes a glass lens with n equal to 1.47 disappear through of liquid. What is the refractive index of liquid? Could the liquid be water? Okay. The refractive index of the liquid must be equal to 1.47 इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर. ओके, लेंस को डिसअपियर करने के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.47 होना चाहिए. दैट मीन्स n1 = n2 एंड दिस गिव्स 1/f = 0. वाई? बिकॉज वी नो दैट 1/f = n2 / n1 -1, 1/r1 - 1/r2. सो इफ n2 इक्वल टू n1 देन ये क्वांटिटी 1 होगी. 1 - 1 0. 1/f = 0. 1/f = 0 मीन्स f टेंड्स टू इन्फिनिटी. द लेंस इन द लिक्विड विल एक्ट लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास. लेंस इन द लिक्विड will act like a plane sheet of glass. Hence, we can say no, the liquid is not water. The liquid is not water. It could be glycerin. Okay. So for more videos, stay tuned on our Facebook channel, that is ContaptE. Thank you for watching this video.